सामग्री सबको नहीं मिल रही है ना? फिर भी वितरण कराने नहीं मिल रही है। साधारण देश में व्यवस्था नहीं, मैं अपने पास से बनवा रहा हूँ, सबको पता है चीज, ठीक है, पैकेट अपने पास से बनवा रहा हूँ। साधारण देश में व्यवस्था नहीं है, मैं कैक के सामने थोड़ी ना उसके लिए करूंगा कि सबको भेज दिया, ठीक है ना भैया। उसमें आ रहे पात्रता में मैं दे रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को मैंने मना नहीं किया है। मैंने बाढ़ में सबसे कैसे खड़ी है जी, राशन की वजह से खड़ी है राशन में। अब ये तो हमें तो मिलो ही ना, तो बता कहा दे महाराजगढ़ तुम ना मिलो कुछ ना जी ना जी जी क्या मिला है आप अभी कुछ भी ना मिलो जी हमें तो। को देखिए किस तरह से निकल रहे हैं आगे लोग, बाढ़ में अपनी कमर पे बैठा करके बच्चे निकाल रहे हैं। और अभी महाराजगढ़ में कल के पेपर में छपा एक बच्चा बेचारा एक्सपायर हो गया, उसको कोई मेडिकल एड नहीं मिल पाई। मेडिकल के कर्मचारी गांव गांव में बैठते थे रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं है मेडिकल की तरफ से भी, दुर्भाग्य की स्थिति है। राम राम साहब, राम राम, क्या हाल है? साथियों नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ टप्पल क्षेत्र के गांव महाराजगढ़ में, और देख सकते हैं भीषण पानी है, जल भराव आप देख सकते हैं। लगातार ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरे तरीके से सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं, मानो पानी ने विकराल रूप धारण किया हो। वहीं लोगों की समस्या से रूबरू होने के लिए हमारे बीच में लोकप्रिय नेता विवेक बंसल जी यहां पर आए हुए हैं। पूरे तरीके से ग्रामीण उनकी दिल खोलकर यहां पर स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और गांव के अंदर पूरा भ्रमण करने के बाद में आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं विधायक जी से, आखिर यहां पर आने की आपको क्या आवश्यकता थी? देखिए यहां पे हमें जब हमारे संज्ञान में आया कि बहुत भीषण बाढ़ आ गई है और सामान्य जीवन यहाँ ग्रामवासियों का अस्त व्यस्त कर दिया है, महाराजगढ़ गांव का जो अस्त व्यस्त कर दिया है, तो हम लोगों ने सोचा कि खुद व्यक्तिगत जानकारी लें, जो सरकार के प्रशासन के माध्यम से जो सुविधा और जो राहत सामग्री दी जा रही है वो सुनिश्चित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें त्रुटियाँ भी मिली, कमियाँ भी मिली, गाँव और ग्रामवासियों ने शिकायतें भी की। यहाँ पर ख़ासतौर से जो स्टीमर नहीं चल पा रहा है, स्टीमर ख़राब हो गया है, उसके बाद उसका विकल्प नहीं, वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो अव्यवस्थाएँ हैं। प्रशासन प्रयास कर रहा है पर लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अव्यवस्थाएँ हैं, ग्रामीण वासी जो हैं अपनी काफ़ी क्षुब्ध दिखाई दे रहे हैं और असंतोष जाहिर कर रहे हैं। भैया सरकार के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं योगी जी के, मोदी जी के बैगों पर, और खाने में मात्र 6 पूड़ियाँ हैं, लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी, जितनी भी है राहत सामग्री वो पहुँचे हर व्यक्ति जो इससे प्रभावित है, जो इससे आहत है, जो इससे पीड़ित है, तो सबके पास ये सुनिश्चित किया जाए। अभी हमने जिला यहाँ पर के जो प्रशासन के अधिकारी थे, तहसीलदार SGM से वार्ता की, उन्होंने कहा इतने पैकेट भिजवाए हैं, पर लेकिन पैकेट भिजवाना अपने आप में काफ़ी नहीं होता, उसका क्रियान्वयन होता है कि जो हर प्रभावित व्यक्ति तक वो पैकेट पहुँचें, और शायद उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और उसको उन कमियों को दूर किया जाए अविलंब। तो देख सकते हैं ये थे महाराजगढ़ से लोकप्रिय नेता विवेक बंसल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने पूरे तरीके से उनके चारों ओर खड़े होकर अपनी पीड़ा बयां की है। महाराजगढ़ के राजकुमार जी हैं। जी राजकुमार भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमको, नहीं कोई स्टीमर आया, नहीं कोई किश्ती आई, नहीं कोई नाव आई। यहाँ पर खाना पीना आता है तो आधे दिन तक पहुँचता है, आधे दिन तक नहीं पहुँच पाता है। राशन के लिए 3 दिन से निकल निकल के आ रहे हैं हम पानी में से, और यहाँ पर राशन आता है तो मना कर देते हैं, शाम को नहीं बट रहा, हमारी शिकायत कर दी किसी ने, पटवारी हमसे ये बोलते हैं, फिर तारा बंद करके चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर बुलाते हैं टाइम दे के किस टाइम आ जाना। मतलब खाना पूरी जोरों पर है? खाना पूरी जोरों पर है पर पूरा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हमारे बीच में 4-5 पूरी आती है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं जो पुराने लगभग कई दशकों से राजनीति करते चले आ रहे हैं, आइए बात करते हैं इनसे भी, साझा करते हैं लोगों के मन की बात। जी सर क्या कहेंगे? बाढ़ जो आई है 15 साल के बाद में भारी बाढ़ आई है, और हम बचपन में देखते थे
और बचपन में हम जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव होते थे, हम लोगों की टीम जाती थी और वहां के लोगों की सेवाएं करते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी बाढ़ पीड़ित गांव में जो जिनके पशु फंस गए हैं उनको निकालने के लिए कोई भी बड़ी नाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना कोई स्टीमर की। ये पहली बार हो रहा है, दुर्भाग्य की बात है। भारत सरकार की तरफ से बात आ रही है कितने पानी में, देखिए लोग किस तरह से निकल रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी स्टीमर, बड़ी नाव, पशु बेचारे भूखे मरे यहाँ के लोगों के। महाराजगढ़ में विशेष करके यहाँ के पशु भूखे मरे हैं, कोई देख रेख नहीं हुई। और मैं आज तो लगाया हूँ, कल भी मैं आया था इस इलाके में तो तमाम महिलाएं वो शिकायत कर रही थी कि हमें पार्टी बंदी के आधार पर हमें बंटवारा करके गांव में जो दो पार्टी होती है, एक पार्टी के लोगों को तो कोई राहत सामग्री दी नहीं गई। तो देखिए किस तरह से निकल रहे हैं यहाँ के लोग बाढ़ में, अपनी कमर पे बैठा करके बच्चे निकाल रहे हैं। और अभी महाराजगढ़ में कल के पेपर में छपा, एक बच्चा बेचारा एक्सपायर हो गया, उसको कोई मेडिकल एड नहीं मिल पाई। मेडिकल के कर्मचारी गांव गांव में बैठते थे, रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं है मेडिकल की तरफ से भी। दुर्भाग्य की स्थिति है। मच्छर का प्रकोप, बुखार का प्रकोप, बाढ़ की वजह से यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। ना कोई टीकाकरण है, ना कोई दवाई वितरण है, और पशुओं के डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं। पशु भूख से परेशान हैं, ना उनके चारे की कोई व्यवस्था है। जो सूखा चारा जो कुछ भी बचा हुआ है वो बह गया है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? चौधरी गंगाराम। आप देख सकते हैं चौधरी गंगाराम ने पूरे तरीके से सारगर्भित अंदाज में पूरे तरीके से बात को बता दिया। और ये यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है, सरकार को पूर्ण रूप से ये देखना चाहिए। जिस उम्मीद से सरकार, जो जनता इनको बनाती है, सरकार में लाती है, उस हिसाब से संतोषजनक उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर तहसीलदार साहब से बात करी, कुछ लोगों ने बताया कि खाना पैकेट आते हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तक ठीक तरह से उनका वितरण नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं पक्षपात भी लोगों ने बताया कि कहीं कहीं उसके सरकार के अनुसार, जो जिस सरकार का है उसके साथ कुछ पक्षपात नज़र आ रहा है, ऐसी भी बात सुनने को मिली है। तो हमारी गुजारिश है कि ऐसा न किया जाए। जनता आपको सरकार में जो लाती है सत्ता में, तो आपको पूरी तरह से सरकार के, जनता के साथ होना चाहिए। विहंगम दृश्य, पूरे तरीके से मुख्यधारा से रोड टूट चुका है और आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर पशुओं की समस्या की को भी देख रहे हैं तो महामारी का भी यहां पर क्षेत्रीय लोगों में भय है कि पानी जैसे जैसे उतरेगा उस तरीके से महामारी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। और इस ओर शायद सरकार के नुमाइंदे कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक ग्रामीण लोग संतुष्ट नहीं है। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। अगर ये जनहित का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी, जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। राहत सामग्री बाढ़ की बंदिश नहीं मिल रही है कि ऐसा है कि जो राहत सामग्री का हम लोगों को पास शासन न दे सके, उसके अंतर्गत जो प्रभावित व्यक्ति है जिसके घर में पानी घुस गया है और उसको हम लोग निकाल करके राहत भेजेंगे, उनके लिए राहत सामग्री है, बाकी के लिए नहीं होती। लेकिन फिर भी हम प्रयास करके अपने पास करा रहे हैं, उन लोगों की सामग्री वितरण हो जो हमारे बॉर्डर के थे, जहाँ जहाँ पानी भर गया था किनारे किनारे जिन लोगों को थे, जब उसमें से एक भी व्यक्ति चार पांच केवल तलवा रहे हैं, वो अपनी रिश्तेदारी में ही पीछे आगे सूखे हैं, उसको भी हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर भी रहेगा लेकिन पानी उनके यहाँ खुल गया था, उन सबको हम टिकट दे चुके हैं। लगातार फिर भी बनवा रहे हैं, ठीक है। और अभी भी सूची हो रही है, अभी भी हम 50 टिकटें बांटेंगे, कल भी आएगी, कल भी बांटेंगे। मतलब प्रयास ये कर रहे हैं, मेडिकल चेकअप प्रयास ये कर रहे हैं सब, क्योंकि जो उनके घर में पानी घुसा है पहले हम उनको देंगे, उसके बाद में जो, क्योंकि ये हमें बताएगी कोई व्यक्ति है वो अगर रोड कट गई है तो आने जाने में दिक्कत है सामान लाने में, लेकिन उसके यहाँ का ख़राब नहीं हुआ है, चार छः दिन चल सकता है, लेकिन जिसका पानी में भीग गया है राशन है ना, उसको तुरंत की ज़रूरत है। पहले हम जिनके यहाँ पानी घुस गया है उनको बांट रहे हैं, उसके बाद में बाकी लोगों को देंगे। लेकिन सारे के सारे 405 सामग्री सबको नहीं मिल रही है, फिर भी वितरण करा रहे, नहीं मिल रही है। साधारण देश में व्यवस्था नहीं, मैं अपने पास से बनवा रहा हूँ, सबको पता है ये चीज़।
ठीक है, पैकेट अपने पास से बनवा रहा हूँ, साधन देने में व्यवस्था नहीं है, मैं कैग के सामने थोड़ी ना उसके लिए करूंगा, सबको भेज दिया है, ठीक है ना भैया। लेकिन बाकी लोगों को मना नहीं किया है मैंने, बाढ़ में सबसे कम राहत मिली है इस बार, कोई देख रेख नहीं हुई, पहले बहुत वक्त सेवाएं होती थी, सबसे कम राहत नहीं है इस बार बाढ़ में, सब में साढ़े चार पूरे गांव में दो चार घर बस आधे से गांव में पानी, सबरे से गांव में पानी, दो चार घर बस रहे हैं, यहाँ टाइम तो पानी है सबरे गांव तो और बाकी लोग तो यहाँ हम लोग उसके लोग यहाँ के जब कर रहे हैं तभी स्थिति है, जब जब कर रहे हैं के लोकल लोग भी तो मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा है कि जो आ रहा है कहने के लिए सब लोग आ रहा है, ये नहीं कह के कहने आ रहा है कि हजार पैकेट हम लेके आ रहे हैं, कल भी बंटवाए, कल भी बंटवाए, कल पैकेट आए, अरे साहब कल भी बंटवाए, आप थे कल, आपने बांटे तो 1200 बांट रहा हूँ ना, मैं तो 1200 बांट रहा हूँ पर डे, एक व्यक्ति तो कहाँ से, आपके कहने से कहने से आ रहे हैं क्या, नहीं आपके कहने से कह रहा हूँ, मैं तो बनवा रहा हूँ, नहीं अरे मैं तो बनवाऊंगा, मेरे घर में थोड़ी ना बन जाएंगे 1200 पैकेट एक दिन में, मैं तो चार जगह बनवाऊंगा ना, अलग अलग जगह पे, थोड़ा सा आपको बुरा क्यों लग रहा है, नहीं मैं बुरा नहीं लग रहा है, महसूस कर रहा है आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे व्यक्तिगत मुझसे कहा जा रहा है, मैं करा रहा हूँ और फिर भी आदमी कह रहे हैं, आपके संज्ञान में ला रहे हैं जो कमियां हो रही हैं तो उसको सुधारने का देख लीजिए, आप अपनी जय अपनी जतन अपना पूरा कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से, हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं और उसका जो क्रियान्वयन है पूरा क्रियान्वयन, और आप लोगों के अनुरोध पे ही हम लगातार, हम तो ये कह रहे हैं सरकार की ज्यादा विफलता है, चलो तुम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हो, यही तो कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं डीएम साहब से, एडीएम साहब ने भी कहा हम तत्काल पैकेट भेज रहे हैं, जैसे जैसे तैयार होती जा रही है वैसे वैसे हम बंटवा रहे हैं इसके लिए, ठीक है, ये तो हम तो एक मानवता के नाते ये कह रहे हैं कि मानवता के नाते इस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा मदद, ये मेरे से बाहर नहीं है ये लोग, मैं भी उन्हीं के परिवार का हूँ भाई, जब यहाँ पर हूँ तो मेरे ही इनके परिवार, भैया एक मिनट, मेरे से किसी को कोई परेशानी दूसरे नंबर दे दो आप, क्या यहाँ पर बड़ी नाव की व्यवस्था हुई पशुओं के लिए, जो जिनके पशु गिर गए कोई व्यवस्था थी नाव की, ऐसा तो व्यवस्था नहीं थी, इसमें आ जाए स्टीमर हमने मंगाया, स्टीमर मंगवाया हमारा फंस गया स्टीमर, नहीं चल पाई हो, बड़ी नाव नहीं थी यहाँ, कोई व्यवस्था बड़ी नाव की हमेशा रही, अरे 25,000 रुपए दे के मैंने बुलवाई, आप कहना नहीं थी व्यवस्था यहीं पे आ गई, 25,000 आइए तारों में फंस गई, तारों में फंस गई, फिर व्यवस्था हुई क्या, अरे व्यवस्था क्या है, तार मैंने लगा लिए थे क्या, अपने अपने खेत के रखवाले के या उसके लगा लिए थे, मैंने लगवाए तार, तहसीलदार साहब भाई तार ऐसे 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 नहीं है, ऐसा नहीं व्यवस्था हुई नहीं, आप एड़ रहे, व्यवस्था काहे की है, व्यवस्था में कौन सी और कर रहा हूं बताओ, आप एड़ रहे इस तरीके से, स्टीमर की व्यवस्था थी, मैं स्टीमर में कराया, तरीका इस आदमी का, तरक तरक कोई आदमी, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं, बात कह रहे कहीं तो कोई वहाँ के पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, पशुओं के हिसाब से, पशुओं के हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं, पूरे गांव के नागरिक बता देंगे, बाद में आ जाएगा, और वो आगे आके जो हमारे लोगों ने वो लगा रखे थे अपने डंडे गाड़ के और करके ऊपर से तार लगा दिए उसमें फंस गया जा करके, और उसकी पंखड़ियां सब टूट गई, कैसे खड़े हैं जी, राशन की वजह से खड़े हैं, क्या मिल रहा है राशन में, राशन में अब ये तो हमें तो मिले ही ना, तो बता कहाँ से, तो फिर किसी ने तो बताई होगी राशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जिसको मिले हो भैया बताओ कहाँ सौदा मिले हो, कौन से गाँव का, महाराजगढ़, तुम नाम मिलो कुछ, नवा जी नाम जी जी, क्या मिला है आप अभी, कुछ भी ना मिलो जी हमें, तो आ रही है तो हमें तो ना मिलो अभी, यहाँ तो भैंसन के लिए भी रिक्वेस्ट करी, हमारी भैंस फंस रही पानी भर गो घर में, ये अधिकारी बैठे हुए हैं इनसे मदद नहीं, अजी कोई कुछ ना, एक एक छोरा वो पेड़ पर चढ़ गो, वह के लिए एसडीएम साहब पे फोन करें, एसडीएम साहब भी ना सुने फिर, चाचा क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो मंदिर पे, नहीं रह रही जोड़ते बोलो, जोड़ते नहीं रह रही, अच्छा यहीं रह रहे हो, कौन सा गांव है, महाराजगढ़ रही है, सरकारी व्यवस्थाओं का आनंद ले रहे हो, है जी सरकारी सुविधा मिल रही है आपको, मिल रही है, हाँ मिल रही, अरे यार बोलते कौन है, बोले ना मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है, क्या खाया था सुबह, पूरी मिल रही है और कहा मिल रही, अच्छा और
बाबा तो राशन मिले गो सब पूरा है कहने मंत्री जी खुद देखे गए थे मंत्री जी देखे गए थे। आप लेखपाल नाम ही नहीं हम हाँ जी बताइए क्या क्या व्यवस्था चल रही है कितने लोग प्रभावित हुए पानी नहीं चल रही है व्यवस्था जो सरकारी है जैसे कटा रही है उसी तरीके से कटरों को मतलब के बांट रहे हैं ऊपर से आ रही है सारी का मंत्री जी भी आए थे वो भी बटवा के गए थे और कितने लोगों के लिए किटों की व्यवस्था हो रही है कितने परिवार करीब डेली मतलब 50 आ जाती है उसी हिसाब से वितरण करते हैं इनको सबको मालूम है कितने दिन हो गए लग तीन खेतन में निकल के जाना पड़ा है इसमें भाव ज्यादा है सड़क कटी है।